अस्सलामु अलैकुम। नूरा शेख के YouTube चैनल पर आपका इस्तकबाल है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की रेसिपी का नाम है मटन दो प्याज़ा। ये हमने सारी तैयारी कर रखी है। चलिए एक एक करके देखते हैं हमने यहाँ पर क्या क्या लिया है। हमने सबसे पहले यहाँ पर 1/2 kg मटन को सिर्फ नमक और हल्दी से बॉईल करके रखा है और इसमें काफ़ी चिकनाई है, आप ऊपर तेल देख सकते हैं। सबसे पहला मेन इंग्रेडिएंट है मटन एंड ऑनियन, ये प्याज है। जितना हमने मटन लिया है उतने ही रेशो में हमने प्याज ली है। यहाँ पर है 150 ग्राम वेजिटेबल ऑयल, ये है अदरक जो कि हमने हाथों से चॉप की है, ये है लहसुन, ये है 8 से 10 हरी मिर्च, ये है लाल सूखी मिर्च, ये है तेज़पत्ता, ये है इलायची और दालचीनी। यहाँ पे लिया है हमने 2 से 3 टेबलस्पून ज़ीरा, ये है काले मिर्च और लौंग, और आखिर में है हमारे पास धनिया कोथमीर, और यहाँ पर है दही। चलिए फिर देखते हैं ये सारे इंग्रेडिएंट को हम किस तरह इस्तेमाल करके हमारा मटन दो प्याज़ा तैयार करते हैं। सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल गर्म हो गया है, इसमें हम प्याज शामिल करेंगे। यहाँ प्याज हल्की नरम हो चुकी है, इसमें हम एक एक करके ये सारे मसाले शामिल करेंगे। ये है ज़ीरा, ये है हरी मिर्च, ये है काली मिर्च, ये है तेज़पत्ता, ये है सूखी लाल मिर्च, ये है दालचीनी और इलायची, यह है बारीक कटी हुई अदरक। ये सब शामिल करके हमें इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। ये देखिए बिल्कुल करीब से मैं आपको बता रही हूँ। इसे भी इतना भूनना है कि प्याज के साथ ये मसाले भी बिल्कुल गल जाए। इस पूरे मसाले को 10 मिनट हो चुके हैं भूनते हुए। ये देख सकते हैं आप, ऊपर आहिस्ता आहिस्ता पूरा ऑयल रिलीज़ हो रहा है। अभी इसे हम और भूनेंगे, इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे। ये देखिए प्याज और पूरा मसाला एक जान हो जाना चाहिए। ये मसाला तकरीबन पिछले 15 मिनट से बन रहा है, ये अच्छी तरह भून चुका है। अभी इसमें हम ये दही शामिल कर देंगे, दही डाल के इसे और तकरीबन 5 से 7 मिनट पकाएंगे। इसे पूरे 15 मिनट हो गए पकते हुए, इसमें अभी हम गोश्त शामिल कर देंगे, और गोश्त डालने के बाद इसे फास्ट आंच पे 5 से 10 मिनट और भूनना है। इस पूरी रेसिपी में जो मेन जो मेहनत है वो हमें मसाला भूनने की है। ये मटन दो प्याज़ा बिल्कुल रेडी है खाने के लिए, इसे हम रोटी या चावल के साथ खा सकते हैं। तो चलिए लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। खुद भी खाइए और अपने अपनों को भी खिलाइए। अल्लाह हाफिज़।